जानते हैं पश्चिम बंगाल में 1967 में हुए चुनाव की कहानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम 1967 की बात हो रही है और तब टोटल वोटर टर्नआउट था 66.1%। टॉप पांच पार्टियां या शीर्ष पार्टियां थीं, कांग्रेस जिसने 280 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 127 पर उसे सफलता मिली। CPM ने 135 पर उम्मीदवार उतारे और उसे 43 पर सफलता हासिल हुई। BSC ने 80 सीटों पर भाग्य आजमाया और 34 पर सफलता प्राप्त हुई। CPI ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 उसके हाथ लगी। FBL यानी फॉरवर्ड ब्लॉक ने 42 सीटों पर भाग्य आजमाया, 13 उसके हाथ में आई। अदर्स एंड इंडिपेंडेंट सीट्स की बात करें तो कुल 459 ने अपना भाग्य आजमाया था, 47 उनके खाते में गई थी। टोटल तब सीट्स थी 280 और इन सीटों पर कुल 1058 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। अब आते हैं विभिन्न दलों का आखिर प्रदर्शन रहा तो रहा कैसा। वोट कुल कांग्रेस को मिले थे 41.13%। दूसरे नंबर पर रही थी CPM जिसे 18.11% वोट हासिल हुए थे। विभिन्न दलों के जो मेजर पार्टीज हैं उनका कैसा प्रदर्शन रहा था प्रतिशत के हिसाब से तो हम आपको बता देते हैं। INC को जैसा बताया 41.13% वोट मिले थे और CPM को 18.11%। इंडिपेंडेंट्स को मिले थे 13.49% और अदर्स अन्य को मिले थे 27.27% वोट। तो ये हमने आपको जानकारी दी 1967 में हुए बंगाल के चुनावों के बारे में। विभिन्न दलों का प्रदर्शन कैसा रहा था इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। सत्ता विमर्श यूं ही आपको बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियां देता आ रहा है, आगे भी देता रहेगा। विभिन्न चुनाव के बारे में आपके सामने फैक्ट शीट रखता रहेगा। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।